ओके, तो ये है वसंतम चाय पॉइंट, और उधर से अपन जाते हैं मदुरई तिरुची के लिए। इधर है रामेश्वरम और इधर है हमारा आज का डेस्टिनेशन जो कि है कन्याकुमारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है एडवेंचर सिंह पे। और यहाँ पर मैंने दो कॉफ़ी पी ली, साथ में मेदू वड़ा भी खा लिया और हमारा पेट हो गया है टना टन एकदम। अक्कू हाय, कैसे हो? जब ये व्लॉग देख रहे होगे तो शायद हम तुम्हारे पास में खड़े होके तुम्हारे चेहरे को घूर रहे होंगे। क्या कीजिएगा इतना पैसा कमा के मेरे भाई अक्कू भाई, आप तो ये बताइए। एनीवेज, एक बार फिर से वेलकम बैक है और आज है डेट 29 दिसंबर 2023। 2023 का ये दिन खूबसूरत, और निकल गए हैं अब हम कन्याकुमारी के लिए। एक बंदे से पूछा कन्याकुमारी कहाँ है, वो पता नहीं कहाँ तिरुची भेज रहा था मेरे को। मैंने कहा भैया कन्याकुमारी इस तरफ पड़ेगा, आपको भी बता देता हूँ, मतलब यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है शायद, मतलब ठीक है उसको कन्फ्यूजन हो गया होगा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बाकी तो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मौसम बहुत अच्छा हो गया इसलिए मैंने रेन लाइनर पहन लिया है। बीच में बारिश हुई, अपन ने पहना, उसके बाद बारिश ख़त्म। अभी धूप निकल आई थी मैंने उतार दिया था, फिर देखा फिर बादल आ गए, मैंने दोबारा पहन लिया। मतलब रेन लाइनर पहन लो बस, अब बारिश हो या ना हो वो अलग फैक्टर है। आराम से आराम से। अरे बस वाले भैया हमको साइड दे तो रहे। चलो इतना ही अपडेट करना था आपको। अभी सुबह के 7:30 बज रहे, निकला था मैं करीबन 6 बजे के आसपास। 1 से 1.5 घंटे यहाँ लग जाता है स्लोली स्लोली आने में। 50 किलोमीटर से आया हूँ हालांकि मैं, पर ठीक है, जो भी है जैसा भी है फर्स्ट क्लास है। मिलता हूँ मैं आपसे आगे, कुछ और बातें करता हूँ। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। एक छोटे से कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं तिरुनेलवल्ली से कुछ 20-30 किलोमीटर पहले, और ये भैया हैं जो गाने सुना रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम वाले। मतलब अल्टीमेट में आया था ना, तो एक मस्त गाना चला था मेरे सपनों की रानी का वागी, तो उसके बाद अभी ये गाने चल रहे हैं, मतलब अल्टीमेट टाइप के सॉन्ग चल रहे हैं। कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं अभी। यहाँ से कन्याकुमारी कुछ 120 के आसपास बचा हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, गाने सुन के मज़ा आ गया। कॉफ़ी पी के रिफ्रेश हो रहे हैं और डांस कर रहे हैं। डांस, एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन वी बिलीव। बाकी तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। राइड अच्छी आ रही है अभी तक, ऑलमोस्ट कवर कर लिया है मैंने 180-190 के आसपास, ऑलमोस्ट कवर कर लिया, तो मज़ा आ रहा है बस। सुंद मांगू ना बाहर मांगू। मुझे लगता है कि ये जो अपना कन्याकुमारी है, अगर लद्दाख राइडर्स जा रहे हैं ना तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू कन्याकुमारी, क्योंकि मैंने बहुत सारे राइडर्स को भी आते हुए देखा है। सो व्हाट आई फील इज दैट कि इफ़ दे आर गोइंग टू ले सेम इज़ द इंटेंसिटी, मे बी दे आर लेस इन नंबर्स, बट येस दे आर गोइंग टू कन्याकुमारी ऑल्सो, एंड येस इट इज़ अ ड्रीम फॉर एवरी राइडर टू गो टू ले। Similarly, it has also become a dream for every rider to come to Kanyakumari. और कन्याकुमारी से कश्मीर को लोग करते हैं, कुछ लोग कश्मीर से कन्याकुमारी करते हैं, बट हमने इसको टुकड़ों टुकड़ों में किया है, बिकॉज हम अलग तरीके के राइडर, राइडर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कुछ एक बार में करते हैं, कुछ पार्ट पार्ट में करते हैं, कुछ कभी नहीं करते। सो दैट्स हाउ द लाइफ बेसिकली, यू हैव टू थिंक एंड यू शुड think and you should plan accordingly that what you want to become and in what zone you are more comfortable. If you are comfortable doing it in parts, then do it. If you are comfortable and have energy and you can little bit risk, you can increase the risk, then you can do it one go, like Kashmir to Kanyakumari, and you have plenty of holidays, then it is like that. So there is no issues if you are doing in one go or different parts, but the thing is that you have to do. And I would recommend this is a beautiful highway, beautiful weather, and everything is going very very fine. I suppose that like within half an hour or maybe 1.5 hours it will require to reach me at Kanyakumari. So till then, see you at Kanyakumari.
अपडेट यह है, कन्याकुमारी आ गए हैं। एक रिजॉर्ट मैंने पहले बुक किया था booking.com से सहरगाम करके, तो वहाँ पर ही स्टे कर रहा हूँ। और ठीक है, मतलब रिजॉर्ट लाइट आ रही है प्रॉपर, ये सबसे अच्छी बात लगती मेरे को। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ से जो सनसेट व्यू पॉइंट है वो बहुत पास है, तो ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। खाना इसके पास है, रहना हमको सिर्फ एक रात है। वाह क्या बात है, तो मज़ा आ गया। अभी तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, बस अभी आके जस्ट चेक इन किया है, और अभी हो रहे हैं 12:30 के आसपास आई थिंक। और इसके ही जस्ट कल से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो है NH44 का कन्याकुमारी एंड पॉइंट पे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग सीधे जबलपुर के लिए। मतलब जाना है, अब देखते हैं 2-3 स्टॉप रुक के जाएंगे, कैसा करना है वो देखते हैं। तो फिलहाल तो अपडेट करने के लिए इतना ही है, बाकी अभी जाएंगे घूमेंगे, थोड़ा सा गर्म माहौल है तो सोच रहे हैं लाइट वाइट थोड़ी सी हो जाए ना प्रॉपर, तो फिर काम चालू करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। ओके, तो मैं आ गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए, लेकिन एक हो गई है छोट, और वो ये कि आज क्लाइमेट काफ़ी ख़राब है और उसकी वजह से हमें यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही है। एक्चुअली टिकट का सेल ही उन्हें बंद कर रखा है, तो कोई भी अलाउड नहीं है। तो विवेकानंद मेमोरियल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मेरे पीछे ही है वैसे तो, वो जो पीछे आपको दिख रहा है वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। सोच रहा हूँ तैर के चले जाऊँ क्या, पर वो विवेकानंद जी थे जो तैर के चले गए, मैं विवेकानंद नहीं हूँ, मैं हूँ आप उनके एडवेंचर नहीं, मैं तैर के नहीं जा पाऊँगा, उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी बोट की। खैर आवाज़ शायद उतनी आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़। अभी हम जाएंगे त्रिवेणी संगम, जहाँ पर एक साथ 3 समुद्र मिलते हैं, उनसे उसको देखेंगे, उस पॉइंट को देखेंगे, और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। ठीक है, 2 बज रहा है और नहा धो के आ गए थे। पीछे तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी आई थिंक, और ये मेमोरियल है, और इसको अपन अच्छे से दिखाते हैं अभी। ये है अपना विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और इसी के बगल में ये स्टैचू। तो बेसिकली ये देखा बहुत ही प्यारा है, इतना ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो भी आपको खुश रहना चाहिए, मज़ा आ गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस समुद्र में उसका पानी अलग है और इसका पानी अलग है, उधर कुछ और। मेरे ख्याल से ये इंडियन ओशियन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के अपन डिस्कशन करेंगे। जिंदगी में सब कुछ हो, लेकिन वक्त ज़रूर अपने लिए निकालो। ये ग्राम मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया है। त्रिवेणी संगम, सामने जो है वो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज़ इंडियन ओशियन। एकदम जस्ट सामने इंडियन ओशियन है, पूरा इंडियन ओशियन है, और इधर है अरेबियन सी। इधर ये पूरा जो है अरेबियन सी है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। बट मेरा पीछे एक भाई बैठा हुआ है, इसको हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, और मुझे इसकी लैंग्वेज यानी तमिल नहीं आती। बस हम लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बस कर रहा है बात एक दूसरे से, कुछ भी चल रही है भाई पुलिस में है। मेरा बालम दानेदार वाला गाना गाते हैं। खाना खा लिया है, इस जगह पे खाया था, ये शायद तमिलनाडु टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। खाना अच्छा था, मतलब ठीक था, बुफे था, सो जस्ट चावल ही थे और रसम था और कुछ उस था। मैं बताऊँ क्या देख रहा हूँ आपको, देखो मैं आपको क्या दिखाता हूँ। ये है लाइट हाउस, और हम जाएंगे उसके ऊपर, और ऊपर देखेंगे नज़ारा ड्रोन बनकर, ईगल्स आई। चलो मिलता हूँ मैं आपसे ऊपर। 10 रुपये इसका एंट्री टिकट है, बाकी कहीं भी ऐसा कुछ पैसा लगा नहीं, बस पार्किंग में दिया था मैंने 10 रुपये, बाकी ठीक है, अच्छा है। बस ये देखेंगे, रूम जाएंगे, थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, रूम से निकल के बीच है, बीच पे आके बैठेंगे आराम से, रात में पैकिंग करेंगे, कल सुबह रवानगी डाल देंगे। और अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ लिफ्ट के थ्रू। Wow, what a view. पहुंच गए, पूरा अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है।
और ये था मेरे लिए पूरा ऐसा, मतलब ये तो त्रिवेणी संगम हो गया, तो वो अपना मठ हो गया, ये त्रिवेल वाले स्टैचू हो गया, ये त्रिवेणी संगम जगह हो गई जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले तक, तो अच्छा है काफ़ी। और खूबसूरत सनसेट के साथ ही ये साल भी अंत हो चला, मैंने कितने किलोमीटर्स चलकर इस पल को महसूस करने के लिए यहाँ तक आए, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अल्टीमेट एडवेंचर, अल्टीमेट रोमांच सफ़र अभी तक रहा है। कल से वापसी चालू होगी अपने घर के लिए। यहाँ से जबलपुर जो है वो है 2000 किलोमीटर, बहुत एक्साइटमेंट है अंदर और धड़कनें बहुत तेज हैं ये सुनकर ही कि कल 2000 किलोमीटर कवर करने हैं कल से, और अभी देखते हैं जैसा भी है। अभी तो बहुत अच्छा लगा इस जगह पर बैठ के, मतलब अल्टीमेट एडवेंचर यार, अल्टीमेट जगह है, शांति से बैठ जाओ। बहुत सेक्लूडेड प्लेस में मैं आके बैठा हुआ हूँ, जब यहाँ पर लोग कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही बैठा हुआ हूँ और इस जगह का पूरा लुत्फ ले रहा हूँ, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। अब जो है मुलाकात होती है थोड़ी देर में, रात में कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपसे बात की जाएगी, और बाकी सब बढ़िया है, एक नंबर है। ओके, तो इस तरीके से फाइनली मैंने खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया है, सामान पूरा मेरा पैक हो गया है, रूम पे मैं वापस आ गया हूँ, और अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, और कल मैं निकलना है जाने के लिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कल से 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है जबलपुर तक NH44 को फॉलो करते हुए। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। और इस ट्रिप पे आने से पहले काफ़ी सारी बातें थी मेरे दिमाग के अंदर, मैं न्यूज़ देख रहा था तो यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी 2 हफ्ते पहले, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है। मैं रोज़ विंडी पर चेक करता था कि मैप कंडीशंस क्या चल रही हैं, वेदर कंडीशंस क्या चल रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा कोविड की खबर आ गई तो उसने भी मुझे किया, लेकिन हम कई बार बैठ के ना सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और होता कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता, बस आप निकल जाओ, यू हैव टू डेयर इट, यू हैव टू रिस्क इट, और वो आपको करना पड़ेगा। तो बस मैं निकल आया और देखो कितना अच्छा हुआ कि हम निकल आए, तो हर चीज़ वेदर ने उतना परेशान नहीं किया, मतलब परेशान इन द सेंस की परेशानी वाली कोई बात ही नहीं थी, आप रेन गियर लेके चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला हमेशा कि राइडर का ईगो तो रखना पड़ेगा, कि राइडर को गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, बरसात नहीं लगती, तो हमेशा आप अपने गियर्स कैरी करिए और बस मज़ेदार एन्जॉय करिए, और देखो निकल आए तो निकल आए, सब घूम लिया हो गया, डेस्टिनेशन कम्प्लीट हो गए, और अब वापस जा रहे हैं। कल मिलते हैं आपसे सुबह, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, कन्याकुमारी।